नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोज की भांति आज 12:30 बजे आपके लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा चहेता प्रोग्राम है और आप ज़्यादा पसंद करते हैं करंट अफेयर्स को। इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथियों, आप रोज इस तरह से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके मस्तिष्क में अपडेट होते जा रहा है, हर एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो। इन 20 प्रश्न में से ही प्रश्न पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आइए हम सीधा चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि अधिकार पृच्छा क्यों वारंटो, रिट याचिका किसके विरुद्ध की जा सकती है, क्यों वारंटो रिट याचिका किसके विरुद्ध की जा सकती है, ये पहला प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं, बी विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली, सी है कोई भी बोर्ड के सदस्य, या डी है उपरोक्त सभी। किसके विरुद्ध में अधिकार पृच्छा क्यों वारंटो रिट याचिका दायर की जा सकती है? आप जानते होंगे इस याचिका के बारे में, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जाती है। शायद आपने इसका आंसर दे दिया है, हम आपको बता रहे हैं। साथियों ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आपको पता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी, यानी कि क्यों वारंटो महाधिवक्ता के विरुद्ध में लगाया जा सकता है, विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध में, किसी भी बोर्ड के सदस्य के विरुद्ध में, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो या कोई भी अधिकारी हो, उसके विरुद्ध में लगाया जा सकता है, नगर निगम के अधिकारी के विरुद्ध में लगाया जा सकता है। ये क्यों वारंटो कब लगाते हैं? जब अनैतिक इलीगल रूप से पद को धारण करता है, तब ये रिट याचिका दायर किया जाता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मलिमठ कमीशन किससे संबंधित है? मलिमठ कमीशन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं क्रिमिनल जस्टिस, ए ऑप्शन है क्रिमिनल जस्टिस, बी है तहलका, सी है मुंबई दंगा और डी है गोधरा कांड। इसका सही आंसर आपको जानकारी होनी चाहिए। मलिमठ कमीशन जो अटपटा टाइप का क्वेश्चन होता है, वही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। ये प्रश्न आईएएस से लेकर चपरासी पटवारी तक प्रश्न पूछा गया है। हम इसलिए इस क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं, मलिमठ कमीशन किससे संबंधित है? शायद आपने इसका आंसर दे दिया है। सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, एक क्रिमिनल जस्टिस है, एक क्रिमिनल जस्टिस मलिमठ कमीशन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 2000 के किस धारा को निरस्त करने का आदेश दिया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 2000 के किस धारा को निरस्त करने का आदेश दिया है? सभी राज्यों को और विशेषकर पुलिस के लिए ये निर्देश है। धारा 66A, धारा 66B, धारा 66C और D है धारा 66D। सही आंसर आपको चुनना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में, इसके पहले भी केस का नाम पता होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, केस का नाम जानते हो तो जानकारी दे सकते हैं, अन्यथा स्थिति में आप इसका सही आंसर दे चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए धारा 66A के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देने वाली संगठन क्या है? सरकार के थिंक टैंक किसको कहा जाता है, किस संगठन को कहा जाता है, ये प्रश्न है। प्रश्न का जो ऑप्शन है,
योजना आयोग को कहा जाता था, बी है नीति आयोग को कहा जाता है, सी है मंत्रिपरिषद को कहा जाता है, या डी ग्राम पंचायत को कहा जाता है। इसका सही आंसर आपको चुनना है, जल्दी से इसका सही आंसर दे दीजिए। सॉरी, यहां पर सही आंसर आपको चुनना है, सही आंसर आपको चुनना है, शायद आपने चुन लिया होगा। यहां पर हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर बी नीति आयोग है। नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक तत्व आर्वन सारणी वर्ष लॉन्च किया है? अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक तत्व आवर्ण सारणी वर्ष लॉन्च किया है। ए है यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बी है यूनेस्को, सी है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और डी है WCO यानी कि वर्ल्ड केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर आपको देना है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन दे रहे हैं वो डी को, WCO को दे रहे हैं। W से मतलब है वर्ल्ड केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर सही आंसर जल्दी से दे दीजिए, क्या डी है या सी है या बी है या ए है, कौन सा है सही आंसर? शायद आपने इसका सही आंसर दे दिया है। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सही आंसर बी यूनेस्को है। यूनेस्को के द्वारा ये वर्ष लॉन्च किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वायुमंडलीय गैसों को किस प्रणाली से मापा जाता है? वायुमंडलीय गैसों को किस प्रणाली से मापा जाता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, बी है एयर एटमॉस्फेयर इंडेक्स, सी है एयर टेम्परेचर इंडेक्स, और डी है वायुमंडलीय गैसेस इंडेक्स। सही आंसर आपको बताना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर एटमॉस्फेयर इंडेक्स, एयर टेम्परेचर इंडेक्स और वायुमंडलीय गैसेस इंडेक्स, कौन सा सही आंसर है? शायद आपने इसका सही आंसर चुन लिया है। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, यह है सही आंसर, वायुमंडलीय गैसों को एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर प्रणाली से मापा जाता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर पर किया गया? द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर पर किया गया? ए है गुवाहाटी, बी है भुवनेश्वर, सी है चंडीगढ़, डी है कानपुर। इसमें से सही आंसर आपको जल्दी से चुनना है, जल्दी से चुन लीजिए। द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर पर किया गया था? याद होगा आपको जो है, यदि याद है तो जल्दी से दे दीजिए। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर बता रहे हैं। ये है सही ऑप्शन ए, गुवाहाटी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, जो जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पंचायत को समय से पहले भंग करने के बाद पुनर्गठित किया जा सकता है, पुनर्गठित किया जा सकता है, पंचायत को समय से पहले भंग करने के बाद पुनर्गठित किया जा सकता है। ए है शेष अवधि के लिए, बी है फिर से 5 वर्ष के लिए, या केवल 1 वर्ष के लिए, या डी फिर कह सकते हैं इसमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको चुनना है, जल्दी से चुन लीजिएगा। 8वां प्रश्न का उत्तर क्या सही हो सकता है? शायद आप सभी जानते होंगे, सभी जागरूक बच्चे हैं। जो बच्चे हमारे चैनल के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सभी एक्टिव स्टूडेंट हैं, यानी कि वो चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ए है शेष अवधि के लिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो पंचायत हो, शेष अवधि के लिए होता है। लेकिन राज्यसभा के लिए जब एक बार चुने जाते हैं, या राष्ट्रपति एक बार चुने जाते हैं, या उपराष्ट्रपति एक बार चुने जाते हैं, तो वो
अपने पूरे कार्यकाल के लिए बने रहते हैं। ठीक है, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां पर कह रहा है नोहकिल आई झरना किस प्रदेश में है। नोहकिल आई झरना किस प्रदेश में है? ए है केरला, बी है असम, सी है मणिपुर, डी है मेघालय। कौन सा आंसर सही है? नोहकिल आई झरना बहुत ही फेमस झरना है। नोहकिल आई झरना किस प्रदेश में स्थित है? केरला, बी है असम, सी है मणिपुर और डी है मेघालय। इसका सही आंसर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। शायद आपने सही आंसर चुन लिया है। हम यहाँ पर देखते हैं सही आंसर ये चेरापूंजी में है, जो चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। यानी कि नोहकिल आई झरना मेघालय में स्थित है, चेरापूंजी में। यहाँ पर आइए 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सबरीमाला अयप्पन के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला अयप्पन के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह किस राज्य में स्थित है? इसका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इतना सरल प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं। ए है केरला, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटका और डी है तेलंगाना। सही आंसर आपको चुनना है साथियों, सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है केरला, ए। केरला सबरीमाला अयप्पन के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह वाला राज्य है, जहाँ पर अभी ज़्यादातर विवाद चल रहा है। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश पर मनाही है और महिलाएं जिद में हैं कि हम इस मंदिर को समानता के अधिकार के अंतर्गत प्रवेश करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य और नाटक है? शायद उस राज्य से हैं तो आप जानते होंगे। विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य और नाटक है? ए है उत्तराखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी है बिहार। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। लेकिन जिस राज्य में ये स्थित है उस राज्य में इसको पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर। शायद आपने सही आंसर चुन लिया है, हम आपको बताते हैं इसका सही ऑप्शन डी बिहार है। डी बिहार, बिहार में विदेशिया लोक नृत्य और नाटक बहुत फेमस है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। ए है चाय, बी है कॉफ़ी, सी है बासमती चावल और डी है दाल। इसका सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर क्या है जल्दी जल्दी से बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? शायद आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा, हो सकता है कि कई लोगों ने चाय को दिया होगा, लेकिन इसका सही आंसर सी बासमती चावल है। सी बासमती चावल इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। सातों दिन अलग अलग कपड़ा पहनने वाले शासक कौन थे? भारत के शासक बताना है आपको। सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनने वाले शासक कौन थे? ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है शहंशाह और डी है इब्राहिम लोधी। सातों दिन अलग अलग कपड़ा पहनने वाले शासक, भारतीय शासक कौन थे? अकबर, बी है हुमायूं, सी है शहंशाह और डी है इब्राहिम लोधी। शायद आपको इसका सही आंसर पता होगा, इतिहास वाले तो जल्दी बता देंगे लेकिन दूसरे सब्जेक्ट वाले थोड़ा सा अटपटाएंगे। फिर भी 80% लोग सही कह रहे होंगे। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं बी हुमायूं थे।
हुमायूं पागल हो गए थे, पागल होकर विरचित करते थे, पागल होने वाला शासक है और सातों दिन तक कपड़े बदला करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14, सलबोनी क्यों प्रसिद्ध है? सलबोनी जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, सलबोनी क्यों प्रसिद्ध है? पेपर छपाई के लिए, नोट छपाई के लिए, सिक्के ढलान के लिए या सफेद टाइगर के लिए? आपको सही आंसर चुनना है सलबोनी, जो मैंने हिंट कर दिया है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये ए पेपर छपाई के लिए, बी नोट छपाई के लिए, सी सिक्के ढलान के लिए और डी है यहाँ पर सफेद टाइगर मिलता है, एकमात्र जगह है इसलिए फेमस है। इसका सही आंसर आपने दे दिया है, हम आपको सही आंसर बता रहे हैं बी नोट छपाई के लिए है। बी नोट छपाई के लिए ये सलबोनी पश्चिम बंगाल बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्राह्मणों को ग्राम दान किस वंश में किया जाता था? ब्राह्मणों को ग्राम दान किस वंश में किया जाता था? ए है मुगल वंश, बी है मौर्य वंश, सी है नाग वंश, डी है गुप्त वंश। किस वंश के द्वारा ब्राह्मणों को ग्राम दान किया जाता था? ग्राम दान करने की परंपरा थी। आपको कोई सही जानकारी है तो जल्दी से दे दीजिए, इतिहास वालों के लिए बहुत ही सरल है। इसका सही आंसर आपने दे दिया है तो हम बताते हैं आपको सही आंसर, देख लीजिए और मिलान कीजिए कि आपका प्रश्न का उत्तर सही है या नहीं, प्रश्न सही है या नहीं। ये है डी गुप्त वंश। गुप्त वंश में ये ब्राह्मणों को ग्राम दान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, इंडस वाटर ट्रीटी किस देश के साथ समझौता किया गया है? किस देश के साथ इंडस वाटर ट्रीटी किस देश के साथ समझौता किया गया है? ए है भारत और पाकिस्तान, बी है भारत और नेपाल, सी है भारत और बांग्लादेश और डी है भारत और अफगानिस्तान। सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी 2016 में किया गया था समझौता, जो यहाँ पर विवाद रहा है भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान। सही आंसर आप दे दीजिए, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर ए भारत और पाकिस्तान है। इंडस वाटर ट्रीटी का समझौता किया है दोनों देशों ने। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन, केवल 4 क्वेश्चन बच गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के सीमा को भारत के कितने राज्यों को छूती है? कितने राज्यों को छूती है? ए है 3, बी है 4, वो हुमायूं हो गया है उसको काट देते हैं 4, और सी है 5 और डी है 6। आपको बताना है ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। कितने राज्यों को छूती है पाकिस्तान का जो बॉर्डर है हमारे राज्य, कितने राज्य को छूती है? तो आपको सही आंसर आपको शायद दे दिए होंगे, हुमायूं को काट दीजिए, हुमायूं का पिछले वाला क्वेश्चन हमने डाल दिया है, यहाँ पर मिटा नहीं है, तो इसका सही आंसर जल्दी बता दीजिए। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, इसका सही आंसर है बी, 4 राज्यों को छूती है, 4 राज्यों को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, ए है आर्थिक मंदी, बी है बैंक बंद, सी है लेन देन बंद और डी है आयात और निर्यात बंद। कौन सा है बंद अर्थव्यवस्था, किसे कहते हैं? आर्थिक मंदी को जब बैंक बंद हो जाए, या लेन देन बंद हो जाए, या आयात निर्यात बंद हो जाए, क्या बंद होने से हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं? शायद आपने इसका सही आंसर चुन लिया है, हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर डी, आयात निर्यात बंद होने को जो है बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जेजू संस्कृति किस देश की है? जेजू संस्कृति जो यूनेस्को के द्वारा इनको मान्यता दी गई है, जेजू संस्कृति किस देश की है? इथोपिया, बी है स्पेन, सी है दक्षिण कोरिया और डी है जापान।
सही आंसर आपको बताना है इथोपिया, बी है स्पेन, सी है दक्षिण कोरिया या डी है जापान। सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, आपने उत्तर दे दिया है, इसका सही आंसर जेजू संस्कृति दक्षिण कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की जेजू संस्कृति है। और अंतिम प्रश्न हम आपको पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो आपके लिए बहुत फेमस है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है, किन द्वीपों में स्थित है जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में यहां पर बम गिराया गया था, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? यह है होन्सू क्यूसू, होन्सू क्यूसू, और पी है होन्सू सिकोकू, सी है होकाइडो क्यूसू, और डी है क्यूसू ताकोकू, क्योंकि जापानी नाम है होन्सू क्यूसू। पी है होन्सू सिकोकू, सी है होकाइडो क्यूसू, और डी है क्यूसू ताकोकू। इसका सही आंसर जल्दी से दे दीजिए, हम फिर हम खत्म करते हैं। इसका सही आंसर शायद आपने दे दिया होगा, नाम पहली बार सुने होंगे कई लोग। इसका सही आंसर है ए होन्सू क्यूसू, यानी कि हिरोशिमा जो है होन्सू द्वीप में स्थित है और नागासाकी क्यूसू द्वीप में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। साथियों, इसी तरह का प्यार दुलार हमें हमेशा देते रहिएगा। आप रोज हमारे इस फेमस चैनल में जरूर आकर जो है अपना ज्ञानवर्धन कराइएगा, साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा आपके अपने दोस्तों को भी बताइए, यदि वो सफलता अर्जित करना चाहते हैं या अपने सपने को पूरा करने चाहते हैं, तो ये जो हमारा चैनल है ये चैनल आपके लिए है, आपके उन्नति के लिए है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए है। हम यहाँ पर विदाई लेते हैं और चलते हैं अपने अपने घर, और फिर हम रात के 8 बजे लाइव क्लास में विराजमान होंगे, और आपसे हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारी विजय से नेट की हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।